जानवर 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 ऐसा क्यों जानवर कानपुर पेशी पर फूटा इरफान का गुस्सा। अतीक के जैसे ही होगा इरफान का भी दी एंड। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। बताते चले कि इसी दौरान कोर्ट कैंपस में मीडिया कर्मियों ने इरफान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को जानवर कहा। इरफान ने एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार चिल्ला चिल्ला कर खुद को जानवर बताया और इस दौरान खुद की तरफ उन्होंने उंगली अपनी तरफ कर रखी थी। वे काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इरफान इरफान जानवर 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 ऐसा क्यों जानवर जानवर। दरअसल शुक्रवार को इरफान से जुड़े आगजनी केस में फैसला आने की उम्मीद थी, हालांकि एक बार फिर फैसला टल गया। इससे पहले महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। पेशी पर पहुंचे इरफान का अचानक गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर की पेशी पर आया या कोर्ट की, मुझे 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा गया? क्या मेरा भी एनकाउंटर करना था? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी खबर आए। इस बीच इरफान खुद को जानवर बताते रहे। बता दें कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोबारा सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। जाजमाओं की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी और इसी मामले में इरफान रिजवान मोहम्मद शरीफ शौकत अली व इजराइल आटेवाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान शौकत अली व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में ही बंद है तो वहीं जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है। बता दें कि बचाव पक्ष की बहस 1 मार्च को पूरी हो गई थी और इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की थी। 14 को शरीफ और शौकत को नई जमानतें दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और 19 मार्च की तारीख नियत कर दी गई थी। 19 मार्च को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला टल गया था और 22 मार्च की तारीख फैसले के लिए तय की गई थी। बहस सुनने के बाद 14 दिन में फैसला ना सुना पाने के कारण फाइल दोबारा बहस पर चली गई थी और 22 मार्च को कोर्ट ने दोनों पक्षों को दोबारा संक्षिप्त बहस सुनकर फैसले के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी। तो वहीं 28 मार्च को अदालत ने आदेश पूरा ना लिखे जा पाने के कारण फैसले के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई थी। गुरुवार को फिर कोर्ट ने फैसले के लिए 6 अप्रैल की तारीख दोबारा सुनवाई के लिए तय की है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।